हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एचपी मिस्टर टेक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अक्टूबर 5 से शुरू होने जा रहा है दोस्तों वर्ल्ड कप। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट मैच होगा इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में, तो उसमें से कौन सा टीम जीत सकता है वो भी हमारा पर्सनल प्रेडिक्शन के हिसाब से आज के इस वीडियो पर हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। हां दोस्तों, चैनल पर न्यू है तो अभी हमारे इस चैनल एचपी मिस्टर टेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टैप कर देना। यहां पर आपको ऐसे ही फ्री में क्रिकेट का प्रेडिक्शन हर रोज देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये दोनों ही टीम का प्लेइंग 11 का बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे टीम इंग्लैंड का। तो यहां पर आपको जॉनी वारिस्टो, डेविड मलान, जोए रूट, बेन स्टोक और इसके साथ साथ जोस बटलर, लैम लिविंगस्टोन, मोइन अली, शैम कोरन और इसके साथ साथ आपको क्रिस वॉक्स, मार्क वुड और आदिल रशीद जैसे प्लेयर देखने को मिलेंगे। बहुत ही खतरनाक टीम है दोस्तों टीम इंग्लैंड। बात करेंगे सेकेंड टीम जो कि है न्यूजीलैंड। तो यहां पर आपको डेवन कॉनवे, विल यॉन्ग, केन विलियमसन और इसके साथ साथ डर्ली मिशेल, टॉम लैथम, ग्लेन फिलिप, मिचेल सैंटनर, जेम्स नीसम, ट्रेंट बोल्ट, मार्क हेनरी और लोकी फर्ग्यूसन जैसे प्लेयर देखने को मिलेंगे। दोनों ही टीम पर बहुत ही अच्छा खासा प्लेयर्स है दोस्तों। बात करेंगे ये दोनों ही टीम का लास्ट 5 मैचेस पर परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो दोस्तों अगर लास्ट 5 मैचेस का बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि इंग्लैंड ने लास्ट 5 में से 4 मैच जीत के आया है, जबकि न्यूजीलैंड को सिर्फ 2 मैच का जीत मिली है और 3 मैच में ये हार के आ रहा है। तो अगर लास्ट 5 मैचेस का बात करेंगे तो दोस्तों इंग्लैंड अच्छा दिख रहा है। अभी बात करेंगे दोस्तों यहां पर लास्ट 10 मैचेस में ये दोनों ही टीम का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो लास्ट 10 मैचेस का अगर बात करेंगे तो टोटल यहां पर विनिंग परसेंटेज का बात करेंगे तो इंग्लैंड का रहता है दोस्तों 70%, जबकि न्यूजीलैंड का 40%। एवरेज स्कोर 295 है इंग्लैंड का तो न्यूजीलैंड का है 239। हाई स्कोर यहां पर 368 है दोस्तों इंग्लैंड का तो 336 है दोस्तों न्यूजीलैंड का। 196 लो स्कोर है दोस्तों इंग्लैंड का तो 147 है दोस्तों लो स्कोर न्यूजीलैंड का। तो लास्ट 10 मैचेस का अगर बात करेंगे ओवरऑल तो दोस्तों इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला है, लेकिन जब बात करते हैं दोस्तों यहां पर इसी ग्राउंड पर यानी कि अभी ये जो मैच हो रहा है इसी ग्राउंड पर कैसा परफॉर्म है ये दोनों ही टीम का, तो लास्ट अगर 10 मैच का बात करेंगे तो 10 मैच तो नहीं खेला गया है। यहां पर इंग्लैंड ने 2 मैच खेला है और न्यूजीलैंड ने 1 मैच खेला है, तो उसमें से इंग्लैंड का जीतने का चांसेस है 50%, जबकि न्यूजीलैंड का 100%, यानी कि 1 मैच जो खेला था वहां पर जीत गया था। और एवरेज स्कोर का बात करेंगे तो 252 है इंग्लैंड का, 239 है दोस्तों न्यूजीलैंड का, 276 है हाई स्कोर इंग्लैंड का, 239 है दोस्तों इंग्लैंड का और लो स्कोर 228 है इंग्लैंड का और 239 है दोस्तों यहां पर न्यूजीलैंड का। तो दोस्तों यहां पर दोनों ही टीम बराबर या बोल सकते हो, हालांकि यहां पर न्यूजीलैंड अच्छा खेला है। अभी बात करेंगे दोस्तों यहां पर पिच रिपोर्ट क्या कहता है। तो दोस्तों ये जो मैच हो रहा है जैसे मैं आपको बताया कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हो रहा है, तो यहां पर ओडीआई रिकॉर्ड्स का बात करेंगे तो टोटल 26 मैचेस खेला गया है, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाला टीम 14 मैचेस और सेकंड बैटिंग करने वाला टीम 12 मैचेस जीता है। कोई मैच टाई नहीं रहा है। फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर 242 है, हाई स्कोर 365 और लो स्कोर 85 रन है। स्कोरिंग पैटर्न का बात करेंगे तो बिलो 200 6 टाइम्स, 200 से 249 7 टाइम्स, 250 से 299 9 टाइम्स और 300 प्लस 4 टाइम्स हुआ है, तो यहां पर आप हाई स्कोर का एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहां पर बात करेंगे दोस्तों आप वेन्यू में कैसा मतलब बॉलर्स को अच्छा मदद मिलता है या बैट्समैन को, तो लास्ट 13 मैचेस का अगर बात करेंगे तो जो भी टीम फास्ट बैटिंग करता है दोस्तों उसका जीतने का चांसेस है 54%, और जो भी टीम फास्ट बॉलिंग करता है उसका जीतने का चांसेस है 46%। तो जो भी टीम टॉस जीतेगा वो ट्राई करेगा कि फास्ट बल्लेबाजी करे। तो दोस्तों देखिए मैं आपको सब कुछ बता दिया हूं, अभी बारी है प्रिडिक्शन का। दोस्तों इस मैच का ड्रीम 11 टीम आपको चाहिए तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री है दोस्तों, और जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर मिल जाएगा, मैं पिन कर दूंगा। आप जाइए और हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वहां पर हम आपको बताएंगे, तो बिल्कुल भी मिस मत करना हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में। और इसके साथ साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। पूरे के पूरे वर्ल्ड कप का हर एक मैच हम फ्री में प्रिडिक्ट करने वाले हैं इसी चैनल पर। तो चलिए बताता हूं कि मुझे क्या लगता है दोनों ही टीम में से कौन सा टीम मैच को जीत सकता है। तो दोस्तों दोनों ही टीम का अगर जीतने का चांसेस देखा जाए तो 50-50 ही है, लेकिन अगर फिर भी कोई एक टीम को पिक करना है वो भी रिकॉर्ड के हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच का विनर इंग्लैंड हो सकता है। जी हां दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैच पर इंग्लैंड जीत सकता है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि नहीं इंग्लैंड नहीं यहां पर न्यूजीलैंड जीतेगा तो आप न्यूजीलैंड के साथ जा सकते हो।
आपको क्या लगता है आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा टीम इस मैच पर जीत सकता है। बाकी मैं तो बता दिया हूं कि मेरा प्रेडिक्शन क्या है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर और एक मैच प्रेडिक्शन लेके। थैंक यू।